नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। एससी कमीशन के मेंबर करणवीर इंदौरा अस्पताल में पहुंचकर एससी संबंधित पीड़िता रंजीत कौर का हालचाल जाना। गत दिनों उसके ही पति द्वारा मारपीट का बुरी तरह से घायल कर दिया था। एससी से संबंधित इस महिला को इंसाफ दिलाने इंदौरा ने दिया भरोसा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखो, जो असी कार्रवाई करते हैं जी, उन्होंने फिर मुश्किल है बाहर आना। रंजीत कौर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨੰਦੋਈਏ ਨੇ, ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਨੰਦੋਈਏ ਦਾ? ਨੰਦੋਈ ਪਰਮਜੀਤ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਿਤੇ? ਵਾਲਮਗੜੀ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? कमीशन की तरफ से किस तरह का जो है जो कार्रवाई की जा रही है? देखो, ये एक दलित कोर्ट है, लेडीज है, ये आलमगढ़ है, कपूर का यहाँ है। इसके इसने बताया कि इसके नंदोई ने या इसकी सास ने देवर ने उसको मिलकर बात बताई इसकी की है। और ये लड़की ऐसी होने के बावजूद ये जनरल जो है ना, तो उनके साथ इसकी शादी हुई है। तो उस चक्कर में वो एक मेंटली जो होता है कि धीरे धीरे धीरे, इसके बताने के मुताबिक 20 साल इसको हो गए हैं, बच्चे भी हैं, तो ये मार कुटाई हुई है। ये बता रही थी कि पहले भी ऐसा होता था, दरख्वास्त वगैरह दी है, चलो बैठ के कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आज ये बात ज़्यादा बढ़ गई, उसको नो डाउट जो वीडियो देखा बहुत बुरी तरह इसको मारा। आज हम मैं आया हूँ यहाँ और उनसे पूछा है कि आप क्या चाहते हो। अभी उन्होंने बताया कि मैं जाना तो वहीं चाहती हूँ। तो उस हिसाब से हम आज का दिन देख के सोच के इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि एक्ट मेंशन करना या कोई है वो देख के अच्छी तरह, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर इसके बच्चों को इसको घर मिले, आगे इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। जिनने इसको ऐसे बुरी तरह मारा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी मामले जो आ रहे हैं इस तरह के, जो ऐसे हैं दलित भाईचारे के ऊपर, जिस तरह से जो तसद हो गए या जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से यूपी में जो मनीषा का मामला था, लोगों की लोग जो है ना, वो उनकी मानसिकता थोड़ी सी मैं समझता हूँ इसमें, क्योंकि परमात्मा ने हमें बना के भेजा है, सबको सेम बना कर भेजा है। पंजाब में कुछ ऐसी घटना है आती हैं, जब घटना होने के बाद पता लगता है ये ऐसी होती है। वहाँ पर ये होता है कि उनको पहले ही पता होता है, यूपी की बात करते हैं वहाँ वो उस बात को लेते हैं कि भाई ऐसी के ऊपर टॉर्चर करते हैं। हरिपुर वाले संतोष से जरा आप कितना मारपीट हुई थी, ताडे आए तो दौरा किया, परचा दर्ज हो गया, एससी एक्ट का परचा भी दर्ज हो, उस तो बाद एक दूजा चार जन के खिलाफ मामला दर्ज करता से रेप का, वही औरत वालों मिसिज वालों करवाया गया से। इस मामले से सानू कोई राजनीति लगती है तो इसकी जाँच होनी चाहिए, ये की करोगे? बिल्कुल जी, अगर हमें कोई एप्लीकेशन देगा संतोष कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करवाएंगे।